हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभी वर्तमान में ट्विटर को लेकर इतना भारत में घमासान क्यों मचा है, चारों तरफ ट्विटर की चर्चा क्यों हो रही है, आखिर ट्विटर ने ऐसा क्या किया है जो आईटी एक्ट की 79 की धारा ट्विटर से हटा दी गई है। यानी एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि ट्विटर को जो सुरक्षा कवच मिलता है वो सुरक्षा कवच हटा दिया है। आखिर ऐसी क्या किया ट्विटर ने, आखिर ट्विटर ने ऐसा क्या उल्लंघन किए जो भारत सरकार ने जो उसको सुरक्षा दी थी वो सुरक्षा हटा दी। आज इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं कि भारत सरकार नए आईटी एक्ट बनाए हैं। वो नए आईटी एक्ट क्या है, वो नए आईटी एक्ट ही ट्विटर को दिक्कत कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट फेसबुक, गूगल और व्हाट्सअप इन्होंने सब ने भी उस आईटी एक्ट के नियम को फॉलो किया, लेकिन अभी ट्विटर ने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया। इसीलिए जो ये जब से कानून बने हैं तब से 90 दिन की अवधि गुजर चुकी है। इस 26 मई को वो 90 दिन पूरे हो चुके हैं, तब भी ट्विटर ने अब ये जो आईटी एक्ट के नए रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए थे। इसीलिए सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत जो इनको सुरक्षा मिलती है वो सुरक्षा ट्विटर से हटा ली गई है। तो आज अपन जानेंगे कि आखिर माजरा है क्या। सबसे पहले जानते हैं नए आईटी एक्ट रूल्स है क्या, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट अभी न्यू आईटी एक्ट बनाए थे 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट को एक आवश्यकता महसूस हुई कि यार अगर कुछ कल कुछ भी गलत हो जाए सोशल मीडिया पर, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नए रूल्स बनाए। सबसे नंबर वन ये है कि शिकायत अधिकारी नियुक्त करना। ट्विटर हो, फेसबुक हो, गूगल हो, इन सबको इंडिया में एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा, इनका ऑफिस सेटअप करना होगा, उनको ऑफिस के नाम पता वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट को देने होंगे और गवर्नमेंट से बराबर इनको टचिंग रखनी होगी। सेकंड, शिकायत का निस्तारण इनको 15 दिन में करना होगा। अगर इनको कोई शिकायत मिलती है किसी कंटेंट को लेकर तो 24 घंटे के भीतर भीतर अगर शिकायत मिलती तो उनको रजिस्टर करनी होगी, और रजिस्टर करने के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर उस शिकायत को इनको निवारण करना होगा। थर्ड, गैर कानूनी कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। अगर कुछ ऐसा कंटेंट होता है देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा होता है, या फिर कुछ सांप्रदायिक दंगे जैसी कुछ बात आती है, तब इनको जो कंटेंट है गवर्नमेंट अगर कह दे, इंडिया गवर्नमेंट कह देती है, तो उसको 24 घंटे में उस कंटेंट को उनको हटाना होगा। फोर्थ, मुख्य अधिकारी की नियुक्त करना और उसका भारत का निवासी होना जरूरी है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, इनको एक मुख्य अधिकारी भारत में नियुक्त करना होगा जिसे इंडियन गवर्नमेंट टॉक कर सके किसी भी बात को लेकर, और वो भारत का निवासी होना चाहिए। फिफ्थ, मासिक अनुपालन रिपोर्ट को प्रकाशित करना। प्रत्येक मंथ में जैसे जो भी शिकायत आई है, कुछ भी आई है, आपने क्या क्या किया है क्या, वो सारी रिपोर्ट सरकार को देना, और उसके अंदर कितनी शिकायतों का आपने निस्तारण किया, क्या किया क्या नहीं किया, सारे सरकार को देना है। तो इन्हीं नए आईटी रूल्स को लेकर ट्विटर को कुछ दिक्कत थी। उसमें से कुछ रूल्स को ट्विटर ने फॉलो किया था और कुछ को ट्विटर ने फॉलो नहीं किया था। बाकी अदर फेसबुक, गूगल और व्हाट्सअप, यूट्यूब सब ने फॉलो कर दिया था, लेकिन ट्विटर को कुछ दिक्कत आ रही थी फॉलो करने में। तो इस कारण से सरकार ने ट्विटर के ऊपर एक्शन लिया। अब हम देखते हैं कि आईटी एक्ट की 79 धारा क्या है जिसका अभी बवाल मचा हुआ है, वो क्यों, इससे कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक सुरक्षा मिलती है, अभी अपन उसके बारे में जानेंगे, आइए देखते हैं। अब अपन देखेंगे कि 79 एक्ट क्या है और कैसे 79 एक्ट से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छूट मिलती है, आइए देखते हैं। आईटी एक्ट 79, इसके अनुसार सोशल मीडिया या उसके प्लेटफॉर्म पर पेश किए गए थर्ड पार्टी की जानकारी, डेटा या कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सीधी सीधी आसान भाषा में अपन यह समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी कुछ भी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालता है तो उसकी जिम्मेदारी वहाँ पे जो डाल, जैसे ट्विटर पे आपने कुछ भी पोस्ट डाली तो उसकी जिम्मेदार ट्विटर नहीं होगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ये अपन ये कह सकते हैं सीधा सीधा, एक ये ट्विटर फेसबुक एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, ये एक बीच में ब्रिज है, इधर से कोई सूचना देता है ये सूचना उधर पहुंचाते हैं, तो ये इनका काम है सिर्फ एक ब्रिज के रूप में काम करना। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं, कोई भी कुछ भी कंटेंट डाल रहा है तो वो सामने वाले की जिम्मेदारी होती है, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ये 79 एक्ट कहता है। अगर कोई कुछ भी भड़काऊ भाषण या कुछ सांप्रदायिक जैसी ऐसी कोई बात डालता है या इंडिया के लिए संप्रभुता और देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा होता है, तो इसके लिए ट्विटर और फेसबुक या गूगल
को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, उसके लिए जो कंटेंट डालता है उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। यही एक 79 की धारा कहती है और इनके 79 एक्ट के रूप में इनको एक सुरक्षा मिली हुई है। तो गवर्नमेंट अब ट्विटर से 79 एक्ट की धारा हटा ली है। अब हटाने से मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ऐसा सांप्रदायिक भड़काऊ पोस्ट या ऐसी कोई पोस्ट डालता है जिससे कि अगर माहौल खराब होने की स्थिति हो, तो इस स्थिति में अब ट्विटर के खिलाफ भी आईपीसी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज हो सकेगा। पहले ये नहीं हो पा रहा था, अब हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने 79 एक्ट की सुविधा ट्विटर से हटा ली गई है, यानी अब ट्विटर भी मुख्य आरोपी के रूप में गिना जाएगा। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा, 4 दिन पहले गाजियाबाद में एक मैटर हुआ है ऐसे ही सांप्रदायिकता के रूप में, उसमें से ट्विटर सहित 9 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। ट्विटर के ऊपर मुकदमा इसीलिए दर्ज हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ है, फर्स्ट बार हुआ है। क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ट्विटर से 79 की धारा ट्विटर को जो सुरक्षा के रूप में दी गई थी अब हटा ली गई है। तो ये मुख्य रूप से चीज है जो मैं आपके बताइए। और अभी आईटी एक्ट 2021 में बनाए गए नियम के 7 के आधार पर अगर आप उस नियम को फॉलो नहीं करते हो तो आईटी एक्ट 79 की जो छूट है वो खत्म हो सकती है। अभी गवर्नमेंट ने जो नया आईटी एक्ट 2021 में बनाया है, इसमें नियम 7 बनाया है। नियम 7 इसीलिए है कि अगर आप जो ये 2000 आईटी एक्ट के नियम है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की 79 एक्ट की धारा की जो छूट मिली है वो छूट खत्म हो सकती है, और वही छूट ट्विटर से खत्म हो चुकी है। इसीलिए घमासान मचा हुआ है ट्विटर के बारे में। ट्विटर खुद भी कह रहा है कि मैं सारे नियम फॉलो करूंगा। देखिए अब क्या होता है अगर नियम फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर ट्विटर ये 2021 के आईटी नियमों को सारों फॉलो करेंगे तो ये 79 एक्ट की धारा वापस ट्विटर को मिल सकती है। इसी के साथ देखते रहिए मेरे वीडियो। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।